हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रिका टेक ओपन टूर्नामेंट के ए सेक्शन की गेम है, जो खेली गई थी स्टीवन जुराबलेव और रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच में। हालांकि फ्रेंड्स, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में रेटिंग वाइज तो कोई बहुत ज़्यादा खास कड़ा मुकाबला नहीं है। यहाँ स्टीफन की रेटिंग 2188 है और वहीं रमेश बाबू प्रज्ञानंद तो ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं और 2532 उनकी रेटिंग है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, इस गेम को सेलेक्ट करने के पीछे जो मेरा कारण है वो है इसकी एंड गेम। यहाँ रमेश बाबू ने किस तरह एक माइनर एडवांटेज के साथ इस गेम को जीता, ये काबिले तारीफ है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की स्टीफन जुराबलेव ने d4 के साथ, d5, c4, नाइट c6, c takes d5, queen takes d5, knight f3, e5, knight c3, क्वीन पर अटैक। तो प्रज्ञानंद ने हाँ इस नाइट को ही पिन किया बिशप को b4 स्क्वायर पर ले जाकर। d takes e5, queen takes d1 चेक, और इस तरह यहाँ इस गेम में वाइट को अपना कैसल का चांस गंवाना पड़ा। उनको यहाँ इस क्वीन को किंग से लेना पड़ा, king takes d1, bishop g4, king c2, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया लॉन्ग साइड। और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक अगर चाहे तो वाइट के पॉन स्ट्रक्चर को बुरी तरह से हिला कर रख सकता है, लेकिन अभी ब्लैक ने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया। स्टीफन ने यहाँ रुक पर अटैक बनाया अपने बिशप से, उसको g5 स्क्वायर पर प्लेस करके। तो अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन है कि वो अपने नाइट को e7 स्क्वायर पर ले जाए और अपने पीसेस को फर्दर डेवलप करे, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने अपने रुक को मूव किया e8 स्क्वायर पर। रुक d1 h6, बिशप पर अटैक, तो बिशप h4, नाइट e7, e3, नाइट f5, दोबारा बिशप पर अटैक, तो बिशप g3, knight takes g3, h takes g3, knight takes e5, f3 स्क्वायर पर प्रेशर, तो बिशप e2, बिशप f5 चेक, king b3। और अब ब्लैक को अपने बिशप को कहीं मूव करना होगा, तो bishop takes e3, king takes b3, knight g4, f2 पॉन पर अटैक, और आगे ब्लैक यहाँ इन दोनों रुक्स पर फॉक भी लगा सकता है। तो रुक f1, knight f5, knight d4, बिशप पर अटैक, तो बिशप g5, बिशप f3, रुक e5, b3, रुक d8, king b2, रुक d6, knight e2, रुक एक्शंस का ऑफर। तो प्रज्ञानंद ने यहाँ इसे एक्सेप्ट किया, rook takes d1, बिशप h5। प्रज्ञानंद ने यहाँ बिशप एक्सचेंज करवाने चाहे, तो स्टीफन ने यहाँ किया knight f4, बिशप g4, रुक d2, c6, रुक d4, बिशप f5, knight e2, king c7, knight c3, h5, रुक a4, a6। हालांकि फ्रेंड्स, वाइट का यहाँ पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ा गया है, उनके जी फाइल पर पॉन्स डबल हो चुके हैं, लेकिन वाइट इस गेम को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंस कर रहा है। रुक d4, बिशप e6, रुक d1, g5, रुक d4, रुक f5, रुक d2, रुक e5, रुक d4, c5, रुक पर अटैक, तो रुक d2, b5, a3, बिशप d7, knight d5 चेक। और फाइनली अब यहाँ वाइट ने डिसाइड किया कि वो यहाँ मेटीरियल एक्सचेंज करेगा, तो अब यहाँ प्रज्ञानंद को करना पड़ा knight takes d5, rook takes d5, rook takes d5, bishop takes d5, f6 पॉन पर अटैक। और फ्रेंड्स, अब यहाँ इस एंड गेम के लिए दोनों के पास इक्वल चांसेस हैं। अगर आप यहाँ कैलकुलेट करें तो वाइट के 4 पॉन्स के सामने ब्लैक के 3 पॉन्स हैं, लेकिन वाइट का डिसएडवांटेज वही कि उसके जी फाइल पर पॉन्स डबल हैं, और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक के इन 3 पॉन्स के सामने वाइट के 2 पॉन्स हैं। लेकिन वाइट का एडवांटेज है कि उसका किंग ब्लैक के एक एक्स्ट्रा पॉन को रोकने के लिए यहाँ तैयार है। तो अब इस गेम को अपने एडवांटेज में मोड़ना सिर्फ टैक्टिक्स भर है। यहाँ ब्लैक को पहले करना पड़ा f6, बिशप f3, h4, g takes h4, g takes h4, king c3। और फ्रेंड्स, मेरी नज़र में ब्लैक का एक स्कैटर्ड पॉन स्ट्रक्चर एंड गेम के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज भरा है। king d6, bishop a8, a5, bishop e4, f5, बिशप पर अटैक, तो बिशप वापस b7 स्क्वायर पर, bishop e6। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ वाइट को अपने आप को इस गेम में थोड़ा एडवांटेज में रखना है, तो उसे यहाँ अपने पॉन्स को आगे बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल से अगर यहाँ वाइट अपने इस ई पॉन को आगे पुश करे और ब्लैक के इस एफ फाइल के पॉन को एलिमिनेट करने की कोशिश करे, तो वाइट के लिए शायद थोड़ा फ़ायदेमंद होता। लेकिन यहाँ वाइट ने किया bishop a8, और फ्रेंड्स, बार बार इस बिशप को मूव करना वाइट के लिए कोई बहुत अच्छा मूव नहीं है। वाइट ने यहाँ किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं की अपने पीसीज की पोजीशन पर।
यहाँ प्रज्ञानंद ने किया बी फोर चेक, और फ्रेंड्स अब वाइट क्या करे, वो एक ऑप्शन है कि अपने किंग को बी टू स्क्वायर पर ले जाए और इन पॉन्स को थोड़ा डेडलॉक सिचुएशन में ही रहने दे। और अब अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा, वो यहाँ बिशप एक्सचेंज कराने की कोशिश कर सकता है, बिशप डी फाइव, बिशप टेक्स डी फाइव, किंग टेक्स डी फाइव, और फिर उसके बाद वाइट यहाँ करेगा एफ थ्री। और फ्रेंड्स आई थिंक ये गेमिंग पोजीशन ब्लैक के लिए ही थोड़ा बेटर होती, लेकिन यहाँ स्टीपन ने किया ए टेक्स बी फोर, ए टेक्स बी फोर चेक, किंग सी टू सी फोर, और फाइनली ब्लैक ने यहाँ कोशिश की बी फाइल पर एक पासर क्रिएट करने की, बी टेक्स सी फोर, बिशप टेक्स सी फोर, और अब ये एंड गेम काफ़ी देर से चल रही है, लेकिन वाइट ने अभी तक अपने इन पॉन्स को मूव करना शुरू नहीं किया। वाइट को काफ़ी देर पहले ही अपने इस एफ या ई पॉन को आगे पुश कर देना चाहिए था। अगर वो यहाँ करता है एफ थ्री तो उसके बाद ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। अब ब्लैक को सिर्फ ये बिशप एक्सचेंज करवाने होंगे, तो ब्लैक यहाँ करेगा बिशप डी फाइव, और फोर्सफुली अब ये बिशप एक्सचेंज होंगे ही होंगे, तो बिशप टेक्स डी फाइव, किंग टेक्स डी फाइव, किंग डी थ्री। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक अपने इस बी पॉन को आगे बढ़ाकर इस किंग को थोड़ा दूर धकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ वाइट इस गेम को ड्रॉ कराने की कोशिश कर सकता था। यहाँ प्रज्ञानंद का एडवांटेज है उसके किंग की पोजीशन, प्रज्ञानंद का किंग बोर्ड के सेंटर में प्लेस्ड है, लेकिन यहाँ स्टीपन ने किया बिशप बी सेवन, और फ्रेंड्स ये बिशप, बिशप डी फाइव, बिशप एक्सचेंज का ऑफर। और फ्रेंड्स यहाँ वाइट को इस गेम में अगर कुछ करना था तो उन्हें यहाँ करना चाहिए था बिशप सी एट, और ये बिशप एक्सचेंज नहीं करवाने चाहिए थे। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक यहाँ करेगा बिशप टेक्स जी टू, बिशप टेक्स सी फाइव, और अब यहाँ प्रेशर ब्लैक के ऊपर होगा इन दो कनेक्टेड पॉन्स को रोकने का। लेकिन यहाँ स्टीपन ने बिशप एक्सचेंज कर लिए, बिशप टेक्स डी फाइव, किंग टेक्स डी फाइव, किंग बी थ्री, और ये किंग अपने इन पॉन्स की सेफ्टी से थोड़ा दूर जा चुका है। तो किंग सी फाइव एफ थ्री, किंग बी फाइव ई फोर, एफ टेक्स ई फोर, एफ टेक्स ई फोर, किंग सी फाइव, और अब इस पॉन एक्सचेंज के बाद वाइट के हाथ से ये गेम निकल चुकी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ प्रज्ञानंद को एडवांटेज है उनके किंग की पोजीशन का, जो वाइट के पॉन से ज़्यादा दूर नहीं है, और वाइट को किंग को अभी ब्लैक का ये बी पॉन भी लेना है। तो स्टीपन ने यहाँ किया ई फाइव, किंग डी फाइव, और फ्रेंड्स अब यहाँ वाइट क्या करे, अगर वो यहाँ करता है ई सिक्स तो भी इस गेम पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ एक चांस ले सकता है कि ब्लैक के किंग को वो जी टू पॉन से ज़्यादा दूर रख सके। लेकिन वाइट यहाँ करेगा किंग टेक्स ई सिक्स, किंग टेक्स बी फोर, किंग ई फाइव, किंग सी थ्री, किंग एफ फोर, किंग डी टू, किंग जी थ्री, और ये गेम अब क्लियरली प्रज्ञानंद की हो। लेकिन यहाँ वाइट ने किया किंग टेक्स बी फोर, किंग टेक्स ई फाइव, किंग सी थ्री, किंग एफ फोर, किंग डी टू, किंग जी थ्री, और इस मूव के बाद यहाँ स्टीपन ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब ब्लैक अगले मूव में इस जी टू पॉन को आराम से लेकर अपने इस पॉन को क्वीन प्रमोट कर लेगा। फ्रेंड्स कई बार बिल्कुल इक्वल चलती हुई गेम में हम गलती से अपने ओपोनेंट को एक माइनर एडवांटेज दे देते हैं, और वो एडवांटेज भले ही किंग की पोजिशन के रूप में हो लेकिन एंड गेम के लिए वो काफ़ी बड़ा होता है। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।